Subscribe our channel and press the bell icon to get latest updates of our recipes. Hello friends, welcome to our cooking channel Cook with Cordy. कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे दही वाली चटनी. दही वाली चटनी है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है. इसको आप पकौड़ों के, कचौड़ियों के साथ, समोसों के साथ, रोटी या परांठे के साथ भी खा सकते हैं. ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है. तो अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए फ्रेंड्स, दही वाली चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं. इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए हरा धनिया. तो एक बड़ी कटोरी मैंने हरा धनिया लिया है, इसको धोकर साफ करके काट लिया है. इसी के साथ दो बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे पुदीना पत्ती, तो इसको भी मैंने पहले अच्छी तरह से धोकर कट कर लिया. चार से पाँच मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें, सात आठ लहसुन की कलियाँ, एक पिंच है जो वो हींग डालेंगे, आधा छोटा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सेंधा नमक मैं इसमें डाल रही हूँ. नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं. आधा चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच मैंने लिया है भुना हुआ जीरा. इसको थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया था. जीरा और धनिया भूनने के बाद ही डालिए. पाँच चम्मच के करीब मैं इसमें डालूँगी दही. तो जीरा और धनिया जब हम भून के डालते हैं तो चटनी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है. भुने हुए मसाले इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं. आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं. तो फ्रेंड्स, अभी हम ग्राइंडिंग जार में धनिया, पुदीना और जितने भी हमने मसाले लिए थे वो सारे डालकर इसको एक बार चला लेंगे. एक बार इसको हम पीस लेंगे. एक चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पानी. तो पानी हमने बिल्कुल थोड़ा सा पहले डालना है. तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैंने इसको पीस लिया है. इसी के साथ अब हम इसमें दही डाल देंगे, और दही डालने के बाद हम इसको एक बार फिर दोबारा चला लेंगे. तो ये देखिए, मैंने दही डालने के बाद इसको फिर चला लिया, और जो हमारी दही वाली बहुत ही यमी सी चटनी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है. आप इसको चाहें तो स्नैक्स के साथ या खाने के साथ खा सकते हैं. बहुत ही टेस्टी ये लगती है. तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. तो फ्रेंड्स, इस चटनी को आप बनाकर चार से पाँच दिन तक फ्रिज में रख कर ईजिली स्टोर कर सकते हैं. चार पाँच दिन तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती. तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स.